हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बहन भाइयों के लिए राम राम। तो फ्रेंड, जो आज का विषय है वह शिमला मिर्च बोनसाई अपने गमले में कैसे उगाएं। तो फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिमला मिर्च का पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। शिमला मिर्च जब मार्केट से आप लाते हैं लाल वाली, उसका बीज बो दें और उसी से आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप अपने गमले में शिमला मिर्च का पौधा लगा सकते हैं या कैसी भी मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। आपको गमला कम से कम 12 इंच का लेना है। उसमें पानी की बात को आपको ध्यान रखना है, पानी हल्का कम डालें। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो हमारा फल बहुत ही कम बनेगा और आपके गमले में शिमला मिर्च खूब आएगी। आप कोई भी सब्ज़ी बो सकते हो, शिमला मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है। आपको ध्यान रहे एक गमले में एक या दो बोना है। अगर आप उससे ज़्यादा बोते हैं तो बिल्कुल फल नहीं देगा। देखो हमारी इतनी मिनी शिमला मिर्च है, ये बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छी लगती है। चटपटी की बात करें तो बहुत ही चटपटी होती है और यह परमानेंट चलने वाला पौधा है। कम से कम ये 2 साल पौधा चल जाएगा। अगर आप इसे नर्सरी से खरीद कर आएंगे तो आपको 30 या 35 रुपये का मिल जाएगा। जब आप बीज या पौधे लगाएं तो आप उसको ध्यान रहें छाया में रखना है। जब हमारा बीज या पौधा तैयार हो जाए एक हफ्ते बाद उसे धूप में रखना है और हमारा पौधा उसी प्रकार धीरे धीरे चलता रहेगा और हमारी इसी प्रकार शिमला मिर्च आएगी। तो फ्रेंड, मेरे जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं सनचेरिया के पौधे के बारे में। सनचेरिया का पौधा बहुत अच्छा पौधा होता है। जैसे हमारी क्रोटन होती है इसी प्रकार इसमें पत्ती आती हैं। फूल की बात करेंगे तो इस पर छोटा सा गुलाबी रंग का फूल आता है, पर कभी फूल खिलता है कभी नहीं खिलता। आप इसे इंडोर प्लांट में भी लगा सकते हैं। यह पौधा बहुत ही अच्छा होता है। और कटिंग की बात करेंगे तो यह पौधा बरसात के मौसम में और फरवरी के मौसम में आसानी से ग्रो हो जाएगा। सनचेरिया का पौधा आप मार्केट से लाएंगे तो आपको 40 या 50 रुपए का मिलेगा। जब भी आपको पौधा मिलेगा इस पर थोड़े कीड़े लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये बाहर का पौधा होता है और इस पर कीड़े लग जाते हैं। तो आप उससे बिल्कुल संतुष्ट रहें, ये पौधा ऐसे ही मिलता है। जब आप अपने घर पर लगाएंगे तो इसकी पत्ती ऑटोमेटिक आपके यहाँ सुंदर खिलने लगेंगी। इसमें खूब पानी पड़ता है, अगर आप पानी कम देंगे तो यह पौधा हमारा जल्दी सूख जाएगा। सर्दियों में पानी आपको ध्यान रखते हैं, सर्दी में पानी इसमें कम देना होता है। और आप इसकी पत्तियों पर भी पानी का स्प्रे करेंगे तो उतनी ही इस पर चमक आएगी। तो फ्रेंड, यह हमारा पौधा आपको कितना अच्छा लगा हमें कमेंट में बताएं। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा आने वाला है वह बहुत ही खूबसूरत पौधा है, क्रोटन का पौधा। यह पौधा बहुत अच्छा एजी प्लांट, इंडोर प्लांट, और आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। यह पौधा कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा। मैंने क्रोटन तो आपको बहुत दिखाई पर यह बहुत ही अच्छी क्रोटन है। यह भी इसकी वेराइटी बहुत अच्छी है। यह पौधा कभी पत्ती नहीं गिराता, और पत्ती गिराने की बात करेंगे तो 2-4 पत्ती इसकी गिरती हैं। पत्ती इतनी सुंदर लगती है, अगर आप इसकी सही से देखभाल करेंगे तो यह पौधा बहुत अच्छा प्लांट होता है। जब इस पर थोड़ा सा कीड़ा जल्दी लग जाता है तो आपको फ्रेंड ध्यान रहे इस पर स्प्रे कर दें, और स्प्रे ऐसा करें थोड़ा सा DDC पाउडर या गेमेक्सिन या मेलाथिन का घोल कर दें। उससे आपका पौधा जितना भी इसके पत्ते पर कीड़ा है तुरंत मर जाएगा और हमारे पौधे पर अच्छी ग्रो करेगा। आप किसी भी पौधे पर आप इस स्प्रे को किसी पौधे पर कर दो, उतनी चमक और उतने ही फूल आएंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा है गुड़हल का पौधा, गुलाबी रंग का गुड़हल। आपकी गुड़हल पर अगर फूल नहीं आ रहे तो आप उसमें क्या काम करें। अगर आपकी गुड़हल पर सफ़ेद फंगस लग जाती है तो उसमें क्या चीज़ डालें। जो मैंने स्प्रे मेलाथिन या एल्ड्रिन का घोल डाल दें, उसमें 4-5 बूंद 1 लीटर में डाल दें, आपका जो फंगस वाइट वाला कीड़ा है मर जाएगा और आपकी गुड़हल फूलों से लथपथ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कटिंग की। तो फ्रेंड, आपको कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। 6 से 8 इंच की कटिंग आप इसकी लगा दें और यह पौधा आसानी से ग्रो हो जाएगा। जब इसकी कटिंग किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, यह बहुत आसानी से ग्रो होने के चांस रहते हैं। इसमें बस थोड़ी सी गोबरी खाद डाल दें। तो फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।